हेलो दोस्तों, वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और जुड़ जाइए भोजपुरी वर्ल्ड चैनल से बिल्कुल फ्री में, और घंटी वाला बटन दबा के सबसे पहले भोजपुरी की कोई भी खबर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ये बहुत गलत काम होता। जी हाँ भाई, आप लोग बता दी कि कुछ दिन पहले ऐसा सिलसिला शुरू भई रहे कि जौन भी कलाकार बिहार या यूपी में शो करे जात रहन उनका ऊपर हमला कर दिया जात रहे, लेकिन लोग समझ गए ओकरा बाद ई जो कि सिलसिला बंद हो गए। लेकिन फिर आप लोग के सामने ये वीडियो आप लोग जो कि देखनी जा कि रितेश पांडे के ऊपर हमला हो चुकल बा, और ऐसा दावा कल जा रहा बा कि रितेश पांडे खेसारी लाल यादव जी के गाना के कॉपी कर लिया, यही के चलते उनका ऊपर हमला भइल बा, उनका उसके धक्का मार के शो से बाहर निकाल दिया गया बा। तो आप लोग के का राय बा भैया, अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा। आप लोग बता दी कि कोनो भी कलाकार के साथे ऐसे ना होके के चाहिए, जो कि सरासर गलत बात बा। ये दो लोग के बीच में भइल बा खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे जी के बीच में, तो दोनों ही लोग अपन में आपस में बैठ के मामला सुलझा सकत रहा लोग। और आप लोग बता दी कि रितेश पांडे के गाना पर कॉपीराइट भी आ चुकल बा और गाना यूट्यूब से भी हट चुकल बा, लेकिन जो रितेश पांडे के साथ भइल बा जो कि निंदनीय बा, आप लोग अपन राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताई जा ये हमला बारे में, ये वीडियो के बारे में। तो अपन राय जरूर ही भैया कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा।